ज्योति जी सर। नमस्ते। ज्योति जी बताइए, आप जी सर। अपनी अभी तक की यात्रा के बारे में बताइए और आपका तीरंदाजी की तरफ रुझान कैसे हुआ? सर मैं जब छोटी थी तो मुझे धनुष और बाण ये बहुत अच्छे लगते थे। तो सर मुझे पता नहीं था कि ये भी कुछ एक गेम होता है। सर फिर हमारे उत्तर प्रदेश में धनोरा टिगरी गांव में बागपत में एक एकेडमी मेरे कोच श्री कुलदीप वेदवान जी की थी। तो सर वहाँ पे मेरे पिताजी मुझे लेके गए और मुझे ये गेम ज्वाइन कराया। तो सर मुझे सन 2010 से आज तक मैं आर्चरी करती आई हूँ और आज पैरालंपिक जा रही हूँ। ज्योति जी, लेकिन मुझे बताया गया कि आप कभी बड़ी निराश हो गई, थक गई और आप खेल छोड़ने के लिए सोच रही थी। परिवार का भी आपके सामने काफी जिम्मेवारियां थी। ऐसे में ऐसा क्या हुआ कि आपने फिर से हिम्मत करके लौट आई, फिर से आपने अपना जज्बा कायम किया और कैसे आप इसमें सर लगी, और इसमें सरकार की भी कोई मदद मिली या नहीं मिली? जी सर सर जब मेरे पिताजी का निधन हो गया था तो मैं बहुत टूट गई थी अंदर से। तो सर फैमिली भी मतलब मैं अच्छी फैमिली से नहीं हूँ, मतलब गरीब फैमिली से हूँ। तो सर फिर मेरे कोच श्री कुलदीप वेदवान जी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और मेरा साथ दिया। सर अभी मैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड आर्चरी एकेडमी में प्रैक्टिस करती हूँ और वहाँ पे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और सर फिर मैं वहाँ से मतलब सन 2017 में वहाँ पे ज्वाइन किया था और मैं अच्छा करती रही वहाँ से फिर। ये आपका पहला ओलंपिक है, जी सर। आप मुझे बताइए आपका क्या लक्ष्य है इस ओलंपिक में? सर मेरा यही लक्ष्य है कि मैं देश के लिए पदक जीतूं और देश का नाम रोशन करूं, अपने माता पिता का, अपनी एकेडमी का। ज्योति जी, माँ ने आपके लिए इतना सारा किया है, माँ का प्यार आप पर बहुत रहा है और आप खिलाड़ियों को तो बहुत परहेज करना पड़ता है, लेकिन माँ बहुत आग्रह करती होगी ये खाओ वो खाओ। जी सर। तो ये अभी तो खा नहीं पाती होगी, लेकिन जब गोल्ड लेकर के आओगी, माँ के जी पास सर। जाओगी, तो सबसे पहले क्या खाने के लिए मांगोगी? सर मुझे भिंडी बहुत पसंद है और घर की मतलब अपनी मम्मी की हाथ की रोटी, तो सर वो ही खाना पसंद करूंगी। ज्योति जी, आपने अपने जीवन की बाधाओं से हार नहीं मानी, और जी जो भी लोग सुनते होंगे ना, कैसे अपने जीवन को आपने ढाला है, और आप देख मैं देख रहा हूं कि आप हमेशा मुसीबतों से जूझती रही, जी सर। और मैं कह सकता हूं कि खिलाड़ी की पहचान है कि वो हार से भी सीखता है और फिर मेहनत करता है और फिर जीतता है। आपने इसको जीवन में उतारा। मैं आज आपकी माता जी को विशेष रूप से प्रणाम करता हूं कि उन्होंने भी घर की स्थिति को खुद ने संभाला और आपकी प्रैक्टिस में कोई बाधा नहीं बनने दिया। आपके पिताजी का ये प्रयास रहा जब तक वो थे, जिसकी वजह से आज आप देश का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं। मैंने मुझे बताया गया कि 8 घंटे प्रैक्टिस करती हैं और फिर जी घर की सर। देखभाल भी करती हैं। आप सफल एथलीट के साथ एक अच्छी बेटी भी और एक अच्छी बहन भी दोनों है, जी और सर। इसलिए देश के हर व्यक्ति जब ज्योति के विषय में जानेंगे तो उनके विचारों में भी एक नया प्रकाश आएगा, चीजों को देखने की तरफ ज्योति का प्रकाश उन पर पहुंच जाएगा। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर।